नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। आज दिन शुक्रवार को राष्ट्रीय यादव सेना और अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के द्वारा पलामू जिला के नावा आहार थाना प्रभारी लालजी यादव के संदेहास्पद आत्महत्या प्रकरण को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। झंडा मैदान से टावर चौक तक हाथों में तख्ती लेकर नारे लगाते हुए पहुंचे, जहां कैंडल मार्च श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो गया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव एवं संचालन प्रदेश कार्य समिति सदस्य अमित यादव ने किया। इस बाबत आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई जांच कराने व इस मामले पर झारखंड सरकार चुप क्यों, जवाब दो, परिजनों को नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा दो सहित विभिन्न मांगों को लेकर नारा लगा रहे थे। वहीं लोग पलामू एसपी डीटीओ सहित एसडीपीओ को बर्खास्त कर न्यायिक जांच कराने की मांग कर रहे थे। लोगों ने संयुक्त रूप से कहा कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए उन पर अविलंब कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए। साथ ही पिछले वर्ष मोती लेरा के कैलाश यादव हत्याकांड के चश्मदीद गवाहों को जेल से अभियुक्तों के द्वारा धमकी दिए जाने के खिलाफ भी गवाहों को सुरक्षा देने की मांग की गई और कैलाश यादव हत्याकांड के 2 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की गई। अन्यथा 26 जनवरी के बाद राष्ट्रीय सेना के नेतृत्व में जिले में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।